दोस्तों, राजस्थान के नाथद्वारा में महादेव की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। अब इस प्रतिमा के अनावरण की तैयारियां भी चल रही हैं। बहुत जल्द श्रद्धालुओं को इस विशाल प्रतिमा की खूबियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस जगह पर भगवान शंकर के दर्शन के साथ साथ सुकून के कुछ पल बिताने का इंतजाम भी किया गया है। भगवान शंकर की ये प्रतिमा आकाश की ऊंचाइयों को छूती है और भक्त कई किलोमीटर दूर से इसके दर्शन कर सकेंगे। इस विशाल शिव प्रतिमा ने राजस्थान के नाथद्वारा को नई पहचान दिला दी है। नाथद्वारा के गणेश टेकरी पर बनी ये विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। बरसों तक चले काम के बाद अब भोलेनाथ की ये प्रतिमा बनकर तैयार है। प्रतिमा के अनावरण की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। बताया जा रहा है कि ये दुनिया की इकलौती भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा है जिसमें लिफ्ट, सीढ़ियां और लोगों के बैठने की हॉल के इंतजाम है। इससे पहले कर्नाटक के मरुडेश्वर मंदिर में 123 फीट की शिव प्रतिमा स्थापित की गई। नेपाल स्थित कैलाशनाथ मंदिर में 143 फीट की शिव प्रतिमा है। तमिलनाडु के आदि योगी मंदिर में 112 फीट ऊंची और मॉरिशस में मंगल महादेव की 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा है। इन सब को पीछे छोड़ते हुए राजस्थान के नाथद्वारा में बनी शिव प्रतिमा जो देश ही नहीं दुनिया के सभी श्रद्धालुओं और भोलेनाथ के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इस शिव प्रतिमा की नींव अगस्त 2012 में रखी गई थी। इसके ऊंचाई 351 फीट है और इसका वजन लगभग 3000 टन है। इसके निर्माण में 2600 टन स्टील और लोहे का इस्तेमाल हुआ। इसमें भगवान शिव का चेहरा 70 फीट ऊंचा जबकि प्रतिमा का आधार 110 फीट ऊंचा है। दावा किया गया है कि 250 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली हवा भी इस पर कोई असर नहीं करेगी। यह प्रतिमा 16 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में स्थापित की गई है। प्रतिमा के अंदर 280 फीट तक जाने के लिए चार लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। लिफ्ट से श्रद्धालु भगवान शिव के कंधे तक जाकर अरावली की पहाड़ियों का नज़ारा देख सकेंगे। यहाँ 5,000 लीटर क्षमता के दो तालाब बनाए गए हैं जिनके पानी से भगवान शिव का अभिषेक होगा। यह 400 लोगों के बैठने के लिए हॉल बनाया गया है। हॉल में प्रोजेक्ट पर इसके निर्माण की कहानी भी बताई जाएगी। यहाँ फूड कोर्ट और हर्बल गार्डन भी बनाए गए हैं। दोस्तों, इस शिव प्रतिमा का अनावरण बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो आप कब आ रहे हैं नाथद्वारा? जय सियाराम, वंदे मातरम।